Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get more updates. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Scorer. आज के इस लेक्चर में हम SSC CHSL 2016 में ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 72 स्टेप्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के, वो सारे कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। CHSL 7/1/2017 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को निबल कहते हैं। निबल। बैरोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय लुईस विदी। थर्ड क्वेश्चन, डायबिटीज किसके द्वारा होता है? डायबिटीज इज कॉज्ड बाय लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के लो प्रोडक्शन के कारण डायबिटीज होता है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ वन, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये टीक का साइंटिफिक नेम है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन। फिफ्थ वन, सी एनीमोन्स बिलोंग टू द फाइलम सिंड्रिया। सिक्स, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग सोडा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन, एलिफेंटा केव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा केव। अगला क्वेश्चन है, कथक इज अ क्लासिकल डांस। कथक जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का? ये नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया में का ये क्लासिकल डांस है। इफ डिमांड कर्व फॉर कैंपिंग टेंट्स इज डी बराबर 1,00,-17P एंड सप्लाई कर्व इज S इक्वल टू 15,000+8P, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका आंसर है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, शॉर्ट में GDP, घरेलू सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर इज क्लोज टू डैश PPM। PPM का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिवर में जो ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व मात्रा होता है वो कितना होता है? वो 5 parts per million होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो नोन एज कॉमन वाटर हाइकेनिथ। कॉमन वाटर हाइकेनिथ को क्या कहते हैं? इकोर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरिंडेले ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, रुक्मणी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर विथ हरियाणा, कौन सा स्टेट का जो है ये हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो उसमें ऑप्शन में एक मध्य प्रदेश था, जो कि मध्य प्रदेश शेयर नहीं करता हरियाणा के साथ बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन रॉय, 1828 में इसका स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन मेमोरी ऑफ, किसके मेमोरी में शाहजहां ने ताजमहल लिया था? मुमताज महल के मेमोरी में, और ये कहां पे? ये आगरा में है। विच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड? फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड में किस एक्टर को बेस्ट एक्टर के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये दिलीप कुमार, इनका असली नाम यूसुफ खान भी है। अगला क्वेश्चन, यंग्स मॉडल क्या है? यंग्स मॉडल एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर मतलब भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक आदमी वो मैक्सिमम कितनी बार तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक पर्सन मैक्सिमम टाइम तक के लिए बन सकता है।
इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, मतलब इमरजेंसी यदि प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए तो ये इसे एक महीने के अंदर इसे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ, ये आर्चरी से रिलेट, ये आर्चरी से है दीपिका कुमारी। द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। सात एक 2017 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट वन, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे फोर्टन कहते हैं। नेक्स्ट, इलेरोमीटर, इलेरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय इवांगेलोस टीला टोरिसेली। थर्ड वन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, स्किन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। फोर्थ, डेलोनिक्स रिजिया रेफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का साइंटिफिक नेम डेलोनिक्स रिजिया रेफिन। फिफ्थ, अमीबा बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, अमीबा किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। डैश इज व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट, अल्कली मेटल कैन ईजली लूज इलेक्ट्रॉन, अल्कली मेटल क्या है, अल्कली मेटल ईजली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है, और सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। नेक्स्ट, द कर्मा डांस, कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, कर्मा डांस मध्य प्रदेश से बिलोंग है कर्मा डांस। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम P1 टू ₹25, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 900 यूनिट्स टू 1200 यूनिट्स, इफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस टू फाइंड P1, तो इसका आंसर है 30। नेक्स्ट, डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसेस फेयर सिस्टम, लेसेस फेयर सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एक्सेसिव ग्रोथ, सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, मतलब जब एक्सेस हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड तो वो लिकेंस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। 31, एविडेंस सजेस्टेड दैट लाइफ ऑन अर्थ दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर। हॉलीवुड इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, हॉलीवुड कहां पे स्थित है, कैलिफोर्निया में है। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ये NH-44 अब ये चेंज हो चुका है, पहले लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कुछ और था लेकिन अब चेंज हो गया, अब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-44 है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज ऑल्सो रेफर टू अ ड्वार्फ प्लैनेट, ये प्लूटो, प्लूटो को रेफर किया जाता है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1526 बिटवीन, पानीपत की जो लड़ाई थी वो 1526 में किसके किसके द्वारा लड़ी गई थी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और आज के लिए आपका सवाल, पानीपत की जो 1526 में लड़ाई थी ये कौन सी हुई थी लड़ाई, कमेंट में लिख के आप बताइएगा, पहली दूसरी या तीसरी। नेक्स्ट, When was Indian Navy Act passed? Indian Navy Act passed कब किया गया था, 1927 में किया गया था। Next question, Pulitzer Prize was established. Pulitzer Prize कब establish किया गया था, 1971। अब Pulitzer Prize journalism के क्षेत्र में दिया जाता है। Next question, An object at rest will remain at rest at and an object in motion will remain in motion unless it is acted upon the external force. This is, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये न्यूटन का पहला लॉ है। 21वां नंबर, what will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance? यदि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से छोड़ा जाए और उसमें कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, तो स्पीड विल इंक्रीज, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, what is the retirement age of a prime minister? प्राइम मिनिस्टर का रिटायरमेंट एज की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट अप्रूवल आफ्टर एवरी, यदि स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कर दिया जाए तो पार्लियामेंट से इसे अप्रूवल करने में कितने का वक्त चाहिए, 6 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, अजीत बजाज, अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, अजीत बजाज किस खेल से संबंधित है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मिलीनियम म्यूटिनीज, मिलीनियम म्यूटिनीज के ऑथर कौन है, तो ये है वी एस नेपाल, वी एस नेपाल जो है वो मिलीनियम म्यूटिनीज के ऑथर है। नेक्स्ट सी एच एस एल 8/1/2017 जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय, वेब पेजेस किसके द्वारा क्रिएट किया, ये एचटीएमएल की कोडिंग के द्वारा क्रिएट किया था जो कि नोटपैड पे हम कोडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिसोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, सिसोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय लुइगी पाल्मेरी, लुइगी पाल्मेरी के द्वारा इन्वेंट किया गया था सिसोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेस नॉन क्लॉटिंग ब्लडिंग, मतलब जो नॉन क्लॉटिंग ब्लड का जो डिफिशियंसी है वो किस विटामिन के द्वारा हो जाता है, ये विटामिन के कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट, प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसके फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस कॉजेस चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के द्वारा कौन सा वायरस होता है, किस वायरस के द्वारा के कारण चिकन पॉक्स होता है, ये है हर्पस जॉस्टर, हर्पस जॉस्टर वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेटिंग इज एंड डस, स्वेटिंग कौन सा रिएक्शन है, मतलब जो पसीना जो बहता है वो कौन सा रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन होना ये कौन से कैटलिस्ट के कारण होता है, ये लैक्टिस के कारण होता है, दूध का दही में परिवर्तन होना। नेक्स्ट, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, बीवी का मकबरा आजम शाह के द्वारा बनाया गया था। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बोडो लैंग्वेज इज प्रीमिलरी, बोडो लैंग्वेज जो है वो असम में बोला जाता है, बोडो लैंग्वेज, ये बोडो लैंग्वेज असम में बोला जाता है। नेक्स्ट, अ कंपनी फेसेस अ, किसी कंपनी को -2.5 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इट इज प्रेजेंटली सेलिंग, यदि वो 10,000 यूनिट प्रत्येक महीने बेच रहा है, इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज, यदि वो अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहे 6%, तो उसको अपना प्राइस कितना कम करना पड़ेगा, तो उसे अपना प्राइस 2.40% कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू ए फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, उसे डिवोल्यूशन कहेंगे। वॉट डज BOD5 रेफर, BOD5 का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, BOD5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क सेविंग द रेयर एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ द स्वैम्प डियर इज ऑल्सो नोन एज, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही रेयर प्रजाति स्वैम्प डियर का जो है उसको बचा के रखता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्वैम्प डियर को एक तरह से इसको बारह सिंघा भी कहते हैं, और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑल ऑफ ऑल टाइम, अभी तक का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सा है, वो अवतार है, हॉलीवुड की मूवी अवतार। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, सब भारत का वैसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो है उसका एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट डे 21 जून होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक आउट इन द ईयर, वर्ल्ड प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुए थे, ये 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो अ पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान लाई, पृथ्वीराज रासो जो कविता है जो कि पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में उसके जीवन के बारे में बताती, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये चांद बरदई के द्वारा लिखा गया, चांद बरदई। अगला क्वेश्चन है, टैस इज द 2016 ऑस्कर विनर, 2016 के जो ऑस्कर विजेता है
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उसे एलिसा विकेंडेर को मिला है। अगला क्वेश्चन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में फॉल्स क्या है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस, गवर्नर को जो ओथ ये कौन दिलाता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। अगला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इज एबोलिश्ड बाय 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन के द्वारा कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो समाप्त हो गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट इन एशियन गेम्स इंडिया हैज वोन मैक्सिमम गोल्ड मेडल, किस स्पोर्ट किस एशियन खेल में इंडिया को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिला है? तो वो एथलेट्स के क्षेत्र में मिला है। अगला क्वेश्चन, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी, एक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी, ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये सोनिया गांधी की बायोग्राफी है। सीएसएल 8/1/2017 का थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, वेन डायग्राम वॉज इन्वेंटेड, वेन डायग्राम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो ये जॉन वेन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव एक ह्यूमन बॉडी में एक मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो वो टोटल 206 होती है। इम्बेलिका ऑफिसियनलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इम्बेलिका ऑफिसियनलिस जो साइंटिफिक नेम है वो किसका? ये आमला का साइंटिफिक नेम है इम्बेलिका ऑफिसियनलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्ज बिलोंग टू द फाइलम, स्पॉन्ज बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा से बिलोंग करता है ये। अगला क्वेश्चन, रिलीज ऑफ डैश इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो मेन रीजन है ओजोन लेयर का डिप्लेशन का वो क्या है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, O2 मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड बाय, O2 मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा ज्वाइंड होते हैं? ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंड होते हैं O2 मॉलिक्यूल्स। अगला सवाल, द री ओन्ड टेम्पल एट रंकापुर, रंकापुर में जो मंदिर है वो जैन टेम्पल है। अगला सवाल, जालीकट्टू इज एसोसिएटेड विद, जालीकट्टू किससे एसोसिएटेड? ये पोंगल से एसोसिएटेड है जालीकट्टू। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम 12 रुपीज टू 10 रुपीज, यदि किसी आर्टिकल का मूल्य 12 रुपए से घटकर 10 रुपए हो जाए और उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाए, मतलब पहले 1000 यूनिट का डिमांड था और अब 1400 यूनिट हो जाए, बढ़ जाए, तो फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, तो वो हो जाएगा -2.4। अगला सवाल है, हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट, जो फाइनेंस बजट है पार्लियामेंट में वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज्यादा वाटर वेपर इफेक्ट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये किस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये बंगाल टाइगर को एस्टेब्लिश करने के लिए था, और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती वॉज नोटेड, सुब्रमण्यम भारती किस फील्ड से रिलेटेड? ये एक पोएट है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विद छत्तीसगढ़, कौन सा स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ से शेयर नहीं करता बॉर्डर? तो ऑप्शन में उसमें आंध्र प्रदेश था जो कि शेयर नहीं करता अपना बॉर्डर। अगला क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा है, और ये कहां से निकलती है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और किस वर्ष में? ये 1942 में लॉन्च किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन, किस फ्रीडम फाइटर ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन से फर्स्ट टाइम
उसको उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। वो पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल प्राइज मिला, वो भी फिजिक्स के क्षेत्र में, वो है सीवी रमन। अगला क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को सीमेंस से मेजर किया जाता है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स है, फोर्स इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगला क्वेश्चन, डैश इज नॉट द एम ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का एम क्या नहीं है, तो गिव द पावर टू रूल इन द हैंड ऑफ कॉमन मैन। मतलब लोक अदालत का ये कि ये पावर जो है ये आम जनता के हाथ में नहीं दे सकता है रूल करने का पावर। अगला सवाल, व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का जो सैलरी है प्रति मंथ वो कितना, अभी जो है ये अब चेंज हो चुका है, अब 3.5 लाख रुपए है प्रति मंथ, पहले 1.5 लाख रुपए था लेकिन इस बार ये चेंज हो गया है, तो अब 3.5 लाख रुपए याद रखेंगे। अगला सवाल, शीतल महाजन इज एसोसिएटेड, शीतल महाजन किस खेल से संबंधित है, ये स्काई डाइविंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो ये विक्रम सेठ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू।